कोहेसिव और अधेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिकूल ऑफ द सेम सब्सटेंस नोन एज कोहेसिव फोर्स। यानी अगर एक ही सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस ले लो, अगर मान लो कि तुम आयरन ही, आयरन का ही इतना बड़ा कर रहे कुछ प्लेट टाइप का, इस आयरन वाले में ही अगर दो मोलिकूल रहेगा, चाहे कोई भी मतलब ले लो, उसमें अगर सेम मटेरियल सब्सटेंस के अंदर जो भी मोलिकूल है उसके बीच का जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर डिफरेंट सब्सटेंस हो, क्या हो, डिफरेंट सब्सटेंस, तब और उसके मोलिकूल के बीच में फोर्स लगे तो उसको कहते हैं अधेसिव फोर्स। जैसे एग्जांपल में कि वाटर मोलिकूल स्टिक टू द ग्लास ड्यू टू द अधेसिव फोर्स। क्यों? तो एक तो तुम्हारा वाटर का वाटर मोलिकूल हो गया और ग्लास रॉड का ग्लास को जो हो गया मतलब मोलिकूल, तो दोनों आपस में सड़ जाते कि नहीं। तुम ग्लास में पानी पीते हो, क्या पानी केक पी जाते हो, एक आध गो बूंद तो रहता है उसमें, रहता है ना, तो जो एक आध बूंद जो रहता है पानी उसमें, तो आखिर वह सटा हुआ क्यों है? जरूर उसमें कोई फोर्स लग रहा होगा। तो वो जो फोर्स लग रहा है तो एक वाटर मोलिकूल के बीच का और दूसरा ग्लास रॉड के बीच का, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अधेसिव फोर्स। अब हम लोग मैटर को देखते हैं कि जो मैटर होता है ना तीन प्रकार का, सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे कि किस प्रकार से तीनों आपस में डिफरेंट है या क्या तीनों में सिमिलरिटी है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। डिफरेंट पैरामीटर की बात करो, पैरामीटर होता है क्या चीज, तो जैसे कोई डिफरेंस कुछ आ जाए, जैसे तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ बोलते हो ना, जैसे पहले बोला है पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, तो पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल मतलब क्या हुआ, सॉलिड में अगर मान लो कि तुम ये सॉलिड लेते हो तो इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसमें एकदम पूरा पूरा क्लोजली पैक्ड रहता है, एकदम टच रहेगा, तो ज़्यादा डेंसिटी इसमें है, ठीक ना, एकदम पूरा पूरा क्लोजली पैक्ड है। और इसमें पैकिंग ऑफ जब पैक देखोगे तो दो प्रकार के पैकिंग होता है, ठीक है, एक होता है स्क्वायर और एक होता है हेक्सागोनल पैकिंग में। जैसे देखो तुम अगर ये वाला पैक ऐसे हम लोग कर रहे हैं और इसके जस्ट नीचे नीचे लिखते जाएंगे तो ये वाला किस प्रकार से बनेगा, स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा, स्क्वायर बनेगा, क्योंकि तुम चारों के मिलाओगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर मिलेगा ना। लेकिन तुम इस प्रकार से अगर पैकिंग करोगे इसके दोनों के बीच से तो ये हेक्सागोनल बन लेगा, ठीक है। जैसे छह को साइड वाला देखो, वो अंदर में तो छह को बना ना, तो हेक्सागोनल तुमको बनेगा ये चीज, ठीक है। तो ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, तो ज्यादा बताओ किस में ज्यादा डेंसिटी है, इसमें किस में ज्यादा क्लोजली किस में है, हेक्सागोनल वाला में है सबसे ज्यादा क्लोजली, किस में, हेक्सागोनल वाला में है, कोई दिक्कत, तो हेक्सागोनल वाला में ज़्यादा क्लोजली तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन तुम अगर यही वाटर को जब चलोगे ना, वाटर वाला में, तो क्या मिलेगा कि तुमको अगर इतना बड़ा ही वाटर वाला ले लोगे ना, तो इसमें एक मोलिकूल यहाँ तो एक मोलिकूल यहाँ, ऐसे ऐसे चलेगा, तो इसमें ज़्यादा गैपिंग मिल रहा है। तो ज़्यादा तुम्हारा वेरी क्लोजली बोलोगे तो सबसे ज़्यादा क्लोजली होता है सॉलिड में और उससे कम होता है लिक्विड में, लेकिन गैस में तो बहुत ही कम होता है, एक यहाँ तो एक यहाँ बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल के आधार पर चलेंगे तो वेरी क्लोजली पैक्ड होता है, इसमें लूजली पैक्ड होता है, इसमें वेरी लूजली पैक्ड मतलब एकदम लूजली रहता है, ज़्यादा उसमें टाइटली मतलब कह सकते हो कि क्लोज एकदम सटा सटा नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें स्पेस मिलता है। अब तुम्हारा कह रहा इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर बोलेगा ना तो दो मोलिकूल के बीच के बोलेगा, ठीक है। अगर इंटर रहता तो एक ही मोलिकूल के बारे में कहता, तो जब इंटर बोला तो कितना मोलिकूल, दो, तो दो मोलिकूल के बीच में स्पेस की बात बोलेगा। तेरा में कोई स्पेस नज़र आ रहा है क्या, थोड़ा सा ये तो गड्ढा है जरा जरा जहाँ पर जगह खाली है, इसको आगे पढ़ोगे तो वॉइड कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, वॉइड, VOID, इसे वॉइड कहा जाएगा, मतलब खाली जगह को, ठीक है, यहाँ पर।